हेलो एवरीवन। सो आज हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस, लूप्स, ये सब देखने वाले हैं। तो जैसे हमने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है, वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर टू स्टोर डेटा। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल, ये हमने जावास्क्रिप्ट और जावा में देखा था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी दो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल क्या है, सिंपल सा, सिंपली द नेम ऑफ द स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पर भी हमारा डेटा स्टोर हुआ है उसकी हमें लोकेशन देता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, मीन्स यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल, जैसे पाइथन है। पाइथन में हम डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 10 लिख देते थे, वहाँ पे हम कोई बताते नहीं थे कि उसका डेटा टाइप इंट है या फ्लोट है, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए लेट कॉन्स्ट वेयर ये यूज़ करना पड़ेगा टू स्पेसिफाई डेटा टाइप, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। हमने देख लिया वेरिएबल क्या है, दो टाइप के वेरिएबल है, लोकल ग्लोबल, हर लैंग्वेज में वैसे ही होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। और यहाँ पे प्रिमिटिव में 5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, ये सब हम देखने वाले हैं। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं ऑब्जेक्ट, एरे, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। और ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यानी हमें एक स्पेसिफाई करने की गरज नहीं है, जैसे वो नंबर है, जैसे अभी मैंने आपको फाइव टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव बताया, स्ट्रिंग, बुलियन, ये हमें बताने की गरज नहीं है, सीधा हमें लेट कॉन्स्ट वेयर ये यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो हमारी ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, और जिसके अंदर हमने ये ए डॉट जे एस फाइल अटैच कर रखी है, तो हम इसके अंदर ही कोड लिखते हैं। तो जैसा हम मैथ्स में लिखते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 20, तो वैसा ही है सेम, लेट एक्स इज इक्वल टू 20। तो हमने वेरिएबल क्या है, एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है 20, और लेट कॉन्स्ट वेयर, ये तीनों में से हमें कोई यूज़ करना पड़ता है, वैसा ही है ये, ठीक है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पे ये 20 क्या है, नंबर है, नंबर डेटा टाइप है, तो हम यहाँ पे कोई नंबर एक्स इज इक्वल टू 20 ऐसा नहीं कर रहे, जैसे हम जावा में करते हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू 20, वैसा हम यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्या है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, वैसा ही हो गया ये, ठीक है। अभी लेट्स है कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, लेट्स है ए बी सी डी, हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं। तो अभी आपको एक कन्फ्यूजन होगा के लेट कॉन्स्ट और वेयर कब यूज़ करना चाहिए। वेयर बी इज इक्वल टू, लेट से इसको मैं ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो कॉन्स्ट कब यूज़ करेंगे, जब तुम्हें कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अभी ए की वैल्यू ए बी सी डी हो गई, मतलब वो कॉन्स्टेंट है, अब तुम ए की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए इज इक्वल टू, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा, ठीक है, सेव कर दिया फाइल, और इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन करूँगा मैं, सबसे पहले तो गो लाइव जाता हूँ, और यहाँ पे इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मुझे एरर दिखेगा कंसोल में, ये देखो एरर, असाइनमेंट टू अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, जो भी कॉन्स्टेंट है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल सा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कॉन्स्ट कब करेंगे, वो एक फिक्स वैल्यू करती तुमने, अब ए की वैल्यू तुमने फिक्स कर दी, जब अपन तभी तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि तुम्हें कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए, तो तुम कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हो। और लेट और वेयर में क्या डिफरेंस है, ये देखो, लेट में तुमने एक्स इज इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक है, तो अभी तुम x को 40 कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो, और तुम कंसोल डॉट लॉग x ऐसा कर सकते हो, तुम्हें एरर नहीं आएगा। लेकिन तुमने कोई ऐसा कोड लिख दिया है, और नीचे तुम डबल से वो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो, लेट x इज इक्वल टू 30 ऐसा कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है, जैसे हमने कोई कोड लिखा है बहुत बड़ा, और पहले एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है, और नीचे हमें मालूम नहीं कि हमने ये जो वेरिएबल है इसको डिक्लेयर किया कि नहीं किया,
और फिर से हम कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे एरर दे देंगे, ये बहुत अच्छा है डेवलपर के लिए, ठीक है। वैसे ही अपोजिट वायर में ये नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर हमें रेड लाइन बता रहा है, क्या बता रहा है, कैनॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ठीक है ना। हम डबल से एक्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ तुम एक्स को चेंज कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 30। तो अभी कंसोल डॉट लॉग एक्स करूँगा तो मुझे पहले 20 वैल्यू थी, पर बाद में मैंने 40 कर दी, फिर 30 कर दी। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, वन मिनट। अच्छा तो ये एरर इसके कारण आ रहा था, इसको मैं अभी कमेंट कर दूंगा तो ये एरर चल जाएंगे। ये देखो एक्स इज इक्वल टू 30 आ गया, ओके ना। तो वैसे ही है, अब देखो वेयर को जैसे मैंने बी इज इक्वल टू 2 कर दिया है, अभी मैं वेयर बी इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 67 ऐसा भी कर सकता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग बी, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ये देखो 67, तो ये हमारे लिए गलत हो सकता है कभी कभी, तो लेट यूज़ करो, वेयर से अच्छा है लेट, क्योंकि हम बी को रीडिक्लेयर कर रहे हैं और जो हमारी पहले की वैल्यू वो चली गई। तो हमेशा लेट यूज़ करो, कॉन्स जब भी तुम्हें कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए कॉन्स यूज़ करो, ओके। और अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल तो तुम्हें मालूम ही है, ठीक है ना। सिंपल सा है कि ये देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे डेटा 200 है, तो ये ग्लोबल हो गया है। इसको अपन ए फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, बी फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कोई ए फंक्शन के अंदर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसको मैं बी फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता है या इसके बाहर, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप है उसका, इसका ग्लोबल। तो ये तो ऑलरेडी जावा कंसेप्ट तो ऑलरेडी पता ही होंगे आपको, कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज आपको पता है, मतलब आपको ये सब कंसेप्ट तो पता ही है, ठीक है। ठीक है तो अभी देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग देख लिया हमने, स्ट्रिंग नंबर बूलियन और अनडिफाइन और नल में फ़र्क क्या है, ठीक है। सिंपल सा है, नल का सिंपल सा मतलब है तुमने कोई भी वेरिएबल को नल किया है, यानी तुम बोल रहे हो कि उसकी वैल्यू अभी नल है, उसकी वैल्यू अभी नल है, तुम उसको बाद में वैल्यू देंगे, ओके ठीक है ना। यानी कोई भी एक वेरिएबल है जिसको तुमने नल दिया है तो मेमोरी में स्पेस चली जाएंगी, उसको एक स्पेस मिल जाएंगी, लेकिन तुमने अनडिफाइन कर दिया है यानी उसको डिफाइन नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड ये देखो अनडिफाइन, ऑन द अदर हैंड मीन्स द वेरिएबल हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर बट इट वैल्यू हैज़ नॉट बीन असाइन, ठीक है ना। उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो मेमोरी में स्पेस भी नहीं लेगा। और नॉन प्रिमिटिव पे आ जाता है ऑब्जेक्ट और एरे, ऑब्जेक्ट और एरे के लिए तो एक डिटेल वीडियो आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट एरे, तो इसको हम बाद में देखने वाले हैं। तो सिंपल सा वही देखा है हमने अभी तक कि वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, सिंपल सा जहाँ पे स्टोर करते हो वेरिएबल्स होते हैं, और ये क्या है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, बस हमें इसके लिए लेट कॉन्स्ट वेयर यूज़ करना पड़ता है। तीनों के डिफरेंस बता दिए कि डेटा टाइप्स प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, वेरिएबल्स के लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप, प्रिमिटिव देख लिया है, नॉन प्रिमिटिव हम देखेंगे। अब क्या है तुम ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच केस लूप, ये एकदम इजी कंसेप्ट है, तुम कोई भी लैंग्वेज से आए होंगे तो इसको सीधा तुम ट्राई कर लो, जावा टी पॉइंट है या W3 स्कूल है वहाँ से सीधा कोड लो कॉपी करो, तुमको कंसेप्ट मालूम है यानी तुमको पता है। जैसे एग्जांपल ये जावा जावा टी पॉइंट है, तो यहाँ से लेट्स है एग्जांपल तुम स्विच केस में जा रहे हो, तो ये देखो सिंपल सा ये कोड लो कॉपी करो, जैसा हर लैंग्वेज में होता है स्क्रिप्ट, जैसा हर लैंग्वेज में होता है स्विच केस, वैसा ही यहाँ पे भी है, थोड़ा कोड में डिफरेंस हो सकता है, कॉपी करो पेस्ट करो। वैसा ही लूप्स, फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप ये सब है वही है, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट ये भी वैसा ही है, तो ये सब तुम करके देख लो, ये बहुत ईजी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन, एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन ये सब देखने वाले, और एक ऑब्जेक्ट का वीडियो उसके पहले आ जाएगा। सो ऑब्जेक्ट एंड एरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।